हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम करने जा रहे हैं जो अलजेब्रा का ग्रुप चैप्टर चला है हमारा, ठीक है। तो उसमें जो ग्रुप चैप्टर के अभी तक क्वेश्चन ही चले हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आज से पहले अलजेब्रा की वीडियो डालनी है, जो ग्रुप चैप्टर की वीडियो डालनी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मत समझना कि आपने कुछ वीडियो मिस कर दी और बीच की वीडियो देख रहे हो, जो आपको क्वेश्चन चाहिए उसी को देख रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर एक क्वेश्चन में एक ही तरह का कंसेप्ट यूज़ हुआ होता है, तो जो पीछे से बेस बना होगा, जो चैप्टर की शुरुआत से बेस बना होगा, वही एंडिंग तक चला रहता है बेस, ठीक है। तो अगर आप बीच की जो बीच की तथा शुरू की जो आपकी वीडियो है, ठीक है, उनको मिस कर दोगे ना, तो जो है आपका जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, आपको वो समझ नहीं आएंगे। क्योंकि जो पिछली वीडियो उनमें हर एक चीज़ जो है आपको बारीकी से बताई गई है कि ये कैसे आपका हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कैसे ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या इनवर्स है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी ना, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शुरू से वीडियो को देखनी है और हर एक चीज़ आपको बताई, अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ए फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। अब मैंने आपको कल बताया था कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, तो फिर से बता देता हूँ कि फाइनाइट ग्रुप वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 कोई ग्रुप है, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है जिन्हें हम इजिली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप होगा फाइनाइट ग्रुप। तो इसमें बोला गया है कि फाइनाइट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपका कोई ग्रुप है, मान लो ये आपका कोई ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, ये आपका कोई ग्रुप है, तो इसमें हर एक एलिमेंट 1 का भी 2 का भी 3 का भी 4 का भी हर एक एलिमेंट का क्या हो करे होगा ऑर्डर एग्जिस्ट होगा। तो ये आपको थ्योरम बोली गई है प्रूव करने के लिए, ठीक है। ग्रुप चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरम्स ही आती हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन बने होंगे, 2 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 3 कर तो उनमें थ्योरम में ही होंगी, ठीक है। तो थ्योरम में आपने ध्यान से समझनी है, तो ईजी है बिल्कुल। देखो जी भी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आपको दिया हुआ है कि जी क्या है, हमने मान लिया कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, एंड ग्रुप जी का ऑर्डर हमने माना कि जी क्या है फाइनाइट ग्रुप और उसका ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन लिख दिया ना। अब हमने सपोज किया कि कोई ए एलिमेंट है जो बी जी को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो इसमें हाँ यहाँ पे हमने क्या लिखना था, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4। वैसे ही अगर जी के पास एन एलिमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन लिखेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। नाउ अब हमने मान लिया कि कोई ए बिलोंग टू जी, कोई ए एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है, जैसे मान लो अगर ए यही ग्रुप है आपके पास, तो हमने मान लिया कि 1 बिलोंग टू जी, ठीक है। तो ऐसे ही कोई ए एलिमेंट है जी के अंदर, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है जी को, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू जी। नाउ अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होनी, ठीक है, कि अगर इफ़ ए बिलोंग टू जी देन ए देयर एग्जिस्ट बी आल्सो बिलोंग टू जी सच दैट ए बी बिलोंग टू जी। इसका बोलने का मतलब है अगर कोई एक एलिमेंट जी को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट भी जी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दो जी के अंदर हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करता है। कैसे करता है मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे पीछे बताए हुए आपको, कि मान लो आपके पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का आपके पास कोई सेट है। अब आपने कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया, मान लो मैंने 2 कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, 2 आपको पता है नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हमने कोई और एलिमेंट ले लिया, जैसे बी, बी हमने कोई और एलिमेंट ले लिया, मान लो 3 ले लिया, 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ए बी मीन इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 के हो गया 6, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, 6 इज़ आल्सो ए नेचुरल नंबर, तो ये प्रूव नहीं होगा कि ए बी बिलोंग टू जी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ए कोई जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए स्क्वेयर मीन ए डॉट ए, बी की जगह मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो ए डॉट ए जो है वो भी ए स्क्वेयर बन गया और वो भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू सेम एलिमेंट इज ऑल्सो वही एलिमेंट देते हैं जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है, तो ए क्यूब भी क्या हो जाएगा जी के बराबर, वैसे ही ए रेज टू पावर 4 भी क्या हो जाएगा जी के बराबर, अप टू सोन ए एन जो है वो भी किसको बिलोंग करेगा,
जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको भूल जाओ अभी, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वेयर, जैसे ये यहाँ पे था ए स्क्वेयर कोमा ए क्यूब कोमा ए रेस टू द पावर 4 अप टू सो ऑन ए रेस टू द पावर एन बिलोंग टू जी। नाउ अब ये कोई ना कोई ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप के एलिमेंट्स आए जितने भी आए, ठीक है। और हर हमें पता है कि ग्रुप की क्या होती है, अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, मेन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इससे पीछे वाला एलिमेंट क्या होगा, ए रेस टू पावर 0, ठीक है। और ए रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 के आगे हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ठीक है। सो देखो अब हमने जब शुरू किया था ना, तो मैं हमने मानना था कि जी क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है। बट हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, जब ये एलिमेंट नहीं इंक्लूड था तब तो एन ही एलिमेंट्स थे, बट जब ये इंक्लूड हो गया तो एन प्लस 1 एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि एक एलिमेंट्स और बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन प्लस 1, ठीक है। बट हमने क्या माना था कि बट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन प्लस एन 1 एलिमेंट्स, क्योंकि देखती सी बात है कि किसी ग्रुप का अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 5, कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें तो 4 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कि एन प्लस 1 एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी क्या है, हमारे पास एन है, तो ए एन प्लस 1 एलिमेंट्स नहीं आ सकते, सिर्फ एन ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो इसका बोलने का क्या मतलब है कि सो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर सेम इन इक्वेशन 1। इसका बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ रहा है, एन प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, तो इसका ये बोलने का मतलब है कि कोई 2 एलिमेंट्स जो हो रहे हैं इनमें सेम आ रहे हैं, तभी एक बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो हमने मान लिए कोई 2 एलिमेंट जो सेम है, लेट अस सपोज दैट ए आई और ए इक्वल टू ए जी, ये 2 एलिमेंट सेम है। जैसे हमने ए और ए स्क्वायर को भी मान सकते हैं कि ये 2 एलिमेंट कैसे सेम हो रहे हैं, इन दोनों सेम एलिमेंट्स होने की वजह से जो है ग्रुप में एक एलिमेंट की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, एलिमेंट सेम रह रहे हैं, तो सेम रहने से भी तो संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि 2 एलिमेंट्स आर सेम इन इक्वेशन नंबर 1, लेट अस सपोज दैट ए आई इक्वल टू ए जे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने, एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। वेयर आई एंड जे आर 2 इंटीजर, की आई और जे क्या है, इंटीजर ही हैं। इंटीजर का बोलने का मतलब जैसे पावर है ना आई, ए रेस टू द पावर आई है ये, तो एक स्क्वेयर मान लो, तो क्यू मान लो, या 4 पावर मान लो, 5, 6, 7, तो ये क्या है, सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो आई एंड जे आर इंटीजर सच दैट, कि आई क्या है, जे से ग्रेटर, आई इज ग्रेटर देन जे। सो जब जे लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो आई माइनस जे इज ग्रेटर देन 0, विच गिव्स अगेन इंटीजर। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जे, ये देखो 2 नेचुरल नंबर थे ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अगेन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन इंटीजर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आ गया आपका 2 होल नंबर ले लिए मान लो हमने, तो भी क्या होंगे, होल नंबर के बराबर ही होंगे। तो जो उनका जो सब्सट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो उनका जो सब्सट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर के बराबर ही होगी, ठीक है। सो हमने आई और जे को क्या मान लिया, आई माइनस जे को क्या मान लिया, एम मान लिया, ठीक है। तो आई और जे को हम की वैल्यू हमने एम पुट कर ली, इसकी जगह हमने एम पुट कर दिया, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, ठीक है। वही लिखा हमने, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ए आई इक्वल टू ए जे कैप थी इक्वेशन नंबर 2। सो हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि ऑपरेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग हमने कर लिया कि ए माइनस जे जो है हमने दोनों साइड ऑपरेट कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। इसका बोलने का मतलब है कि ए माइनस जे ऑपरेट करने का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस जे से, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है। तो जब हमने ऑपरेट किया इसको, तो हमारे पास आ गया ए रेस टू पावर आई कैप था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ए रेस टू पावर आई कैप था, इन टू हो गया ए रेस टू पावर माइनस जे, यहाँ पे था इक्वल टू ए रेस टू पावर जे कैप और डॉट ए रेस टू पावर माइनस जे, जो हमने दोनों साइड ऑपरेट किया, तो यहाँ पे तो क्या बन गया, ए रेस टू पावर आई माइनस जे, बिकॉज इफ बेस आर सेम देन पावर आर एडिड, सो आई माइनस जे कैप हो गया, यहाँ पे माइनस जे है तभी माइनस जे आए, ठीक है। इक्वल टू ए रेस टू पावर जे कैप, बेस आर सेम देन पावर आर एडिड, तो जे कैप माइनस जे कैप क्या आ गया, 0। ए रेस टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे लिख चुके हैं हम कि ए रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तभी मैंने यहाँ पे लिखा था ये, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के पास, और आई माइनस जे की वैल्यू हमने के लिए एम, और एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो इसका बोलने का क्या मतलब है, जब हम ऐसे लिखते हैं कोई चीज़ की ऑर्डर ऑफ
ए इक्वल टू एन, ठीक है, पीछे जब मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इंडिया ग्रुप पढ़ाया था तब बताया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका बोलने का मतलब है कि ए रेस्ट पावर एन जो है ई के बराबर है, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर, ई क्या रिप्रेजेंट करी आइडेंटिटी एलिमेंट, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो एलिमेंट है जिसका आप ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलर वे में आई माइनस जे कैप की वैल्यू क्या थी आपके पास, आपने मानी थी एम मानी थी, तो ए रेस्ट पावर एम इजल टू यहाँ पे आ गई आपके पास आइडेंटिटी, और इसको कैसे लिख सकता मैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ये होता है ऑर्डर, ये होती है आइडेंटिटी, और रही ये है एलिमेंट जिसका आप ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि है ए, ठीक है। सो इन ए फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट वेयर एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और आपको मैंने ये बताया था कि जब पिछले वाले जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप बताया था तो मैंने बोला था कि ये जो पावर होती है ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, सबसे छोटा एज पॉसिबल जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो जितने भी उसमें एलिमेंट है उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, बट अगर आपका कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि रेशनल नंबर और ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में कितने सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो उनमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप जिसमें कुछ ही आपके एलिमेंट्स होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का ही ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको 1 मिनट में जो है जल्दी से फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। फिर हम अगली वीडियो पे नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन करेंगे। देखो फिर से मैंने बोल दिया था कि आपको प्रूव करना था कि फाइनाइट ग्रुप का क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, तो फिर से उसको समझ लेना, ठीक है। तो लेट जी बी इन फाइनाइट ग्रुप, मैंने मान लिया कि जी क्या फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। नाउ कोई एक एलिमेंट, इफ ए बिलोंग टू जी, एक एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा मीन ए डॉट ए, या फिर जब हम लेते थे क्लोजर प्रॉपर्टी में कि ए डॉट बी, वो अगेन जी के बराबर होता था, वो तो हमने यहाँ पे ए डॉट ए ले लिया, ठीक है, वही एलिमेंट ले लिया, तो उसका स्क्वेयर भी किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, उसका क्यूब भी जी को बिलोंग करेगा, ऐसे करके ए रेस्ट पावर एन भी जी को बिलोंग करेगी। तो हमने ये सारे एलिमेंट लिख दिए, ए ए स्क्वेयर, ए रेस्ट पावर क्यूब, ए रेस्ट पावर, ए रेस्ट पावर एन बिलोंग टू जी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बट इससे पीछे वाला एलिमेंट क्या होगा, ए रेस्ट पावर 0, क्योंकि 1 2 3 ऐसे पावर बढ़ रही है, तो 1 से पीछे वाली पावर होगी 0, ठीक है। तो ए रेस्ट पावर 0 तैवान जो कि है आइडेंटिटी के बराबर, ठीक है। सो इसमें क्या बढ़ गए, जब ये नहीं था तो एन एलिमेंट थे, जब ये आ गया तो एक एलिमेंट बढ़ गया, तो पहले एन एलिमेंट थे, जब एक बढ़ गया तो प्लस एक लिख दिया हमने, तो एन प्लस एन एलिमेंट्स हो गया। बट हमने पहले माना कि ऑर्डर ऑफ एली ग्रुप के आपका एन है, सो एन प्लस एन वन एलिमेंट्स कभी हो नहीं सकते, सिर्फ एन एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका बोलने का मतलब है कि कोई दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेम हो रहे हैं, तभी एक एलिमेंट जो है आपका बढ़ रहा है, और एन प्लस एन वन वन एलिमेंट्स हो जाने आपके, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए आई और इक्वल टू ए जे दो एलिमेंट है जो कि क्या है आपके सेम है, और आई जे क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। तो आई हमने मान लिया कि आई क्या है जे से ग्रेटर है, ठीक है। सो आई माइनस ऑफ जे क्या है ग्रेटर देन 0 आ गया जब ये लेफ्ट साइड पे हम ले आए, और हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एम के बराबर, एम क्या अगेन इंटीजर है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, ठीक है, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, ठीक है। तो एम क्या है अगेन इंटीजर, कोई एक इंटीजर ले लिया ग्रेटर देन 0 इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, तभी हमने एम लिखा, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास था ए रेस्ट पावर आई कैप इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर जे कैप, नाउ हमने ए रेस्ट पावर माइनस जे कैप जो है माइनस जे कैप ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, ठीक है, इसलिए ऑपरेट किया ताकि हमारे पास ये वाला जो है 0 बन जाए, ताकि ए रेस्ट पावर आई माइनस ऑफ जे कैप आ गया, और ए रेस्ट पावर 0 आ गया जो कि आपके पास आ गया 1 के बराबर, और 1 क्या थी आपकी आइडेंटिटी थी, तो ए रेस्ट पावर आई माइनस जे की वैल्यू एम पुट की इक्वल टू ई के बराबर आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ इक्वल टू एम, सो ऑर्डर इन ए फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट विल एग्जिस्ट, हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू।